जनाधिकार पार्टी ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। पिछड़ों का हक और अधिकार दूसरी अन्य जातियां ले रही हैं। 2011 में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं और रोहिणी आयोग जो 2017 में गठित किया गया था सरकार ने उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे सरकार। जब जनगणना के आंकड़े पहले से ही तैयार हैं उनको उजागर न करना समाज के 60% ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी इसकी मांग कई सालों से करती आ रही है। अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो जन अधिकार पार्टी जन आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंपनियों उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम पर बेच रही है। इससे राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति होगी। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए टैक्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान की जाए। प्राइवेट स्कूलों में लूट मची है। फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है तो फिर आने वाले समय में बधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। आज के ज्ञापन में जनता पार्टी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन के लिए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया जिसमें हमारी जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को जनता पार्टी हमेशा से उठाती आई है और लगातार जब से जनता पार्टी बनी है तब से हम लोग उन लोगों की समस्याएं उठाते हैं जो जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती है। जैसे प्रमुख रूप से जातिगत जनगणना के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर हम कहाँ चल पाएंगे। अगर इसका आधार जातिगत जनगणना का ही आधार है उनका हक दिलाना, इसलिए हम लोग जातिगत जनगणना के साथ साथ सरकार की अन्य समस्याओं के साथ भी हम मांग रखते हैं। जैसे गौशाला का जो सरकार जब आई थी तो बड़े वादे किए थे कि बड़ी जोर शोर से हम गौशाला बनाएंगे, आवारा पशुओं का व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसान की जितनी भी जो पैदावार होती है सारी के सारे वो आवारा पशु खा जाते हैं। सरकार इधर लगी रहती है कि नहीं हम तो उससे उसकी दुगनी करेंगे। MSP के जो समर्थन मूल्य से अधिक पैसा देंगे लेकिन वो समर्थन मूल्य तो छोड़िए, सरकार की क्या व्यवस्था है। शासन प्रशासन बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। केवल हवा हवाई मीडिया में केवल TV चैनलों को मैनेज करना, प्रिंट मीडिया को मैनेज करना, इससे विकास नहीं होगा। जब अगर जनता पार्टी को ये मौका मिलता है और माननीय भाऊ सिंह कुशवाहा जी को मौका मिलता है तो ये जो होते हैं कि हम रामराज लाएं, रामराज तो नहीं ला पाए लेकिन जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सम्राट अशोक का राज जरूर लाएगी। धन्यवाद।